चैप्टर फोर हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर फोर के बारे में, ठीक है, फ्रैक्शन, ठीक है। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, 4.1 हमने पढ़ लिया था, 4.2 में हमने डिवीजन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, डिवीजन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो आप जानते ही, क्या होता है, जिसमें कि न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होती है और डिनोमिनेटर की वैल्यू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो कि न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होती है और डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी होती है, ठीक है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। लेकिन डिविजन के साथ हमें एक चीज हमने पढ़ी थी, रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, डिवाइड की वैल्यू जब मल्टीप्लाई में चेंज होती है तो उसी के साथ हम क्या करते हैं कि जो आपकी डिवीजन वाली वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल मतलब कि वैल्यू को हम न्यूमरेटर वाली जगह डिनोमिनेटर की वैल्यू आ जाती है और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर की वैल्यू आ जाती है। कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सपोज करिए 6/5/4 दे रखा है, ठीक है। बाय का मतलब भी डिवाइड होता है, जब डिवीजन की बात कर रहा है तभी बाय आएगा और मल्टीप्लाई में भी बाय आता है, लेकिन जो क्वेश्चन की हेडिंग दे रखी होती है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। 6/5/4, ठीक है। अब 4 के नीचे यदि कोई वैल्यू नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। अब इस वाली वैल्यू का हम रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो रेसिप्रोकल में 6/5 का एज इट इज होगा, डिवाइड टू मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 1 जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर का जो 4 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू को कट करेंगे, 4 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। अब इन दोनों नंबर, अब कोई भी वैल्यू नहीं कट रही तो इन दोनों नंबर के बीच में क्या मल्टीप्लाई, तो 3 × 1 नीचे डिनोमिनेटर में 5 × 2, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 × 3 = 5 × 10। तो ये हमारा एक्चुअल आंसर होगा कट होने के बाद, रेसिप्रोकल हो रहा है तो 6/5 × 1/4, ठीक है। इसके अंदर हम रेसिप्रोकल करते हैं, 1/4 हो जाए, 4/1 का 1/4 हो जाएगा, ठीक है। फिर जो वैल्यू कट रही है उसको काट देंगे, अगर नहीं कट रही है तो हम उसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। एक नेक्स्ट एग्जांपल, डिवाइड भी दे रखा है, डिवाइड 25/8 / 5/6, 5/6, तो 25/8 एज इट इज रहेगा, ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, 5/6 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा और नीचे 5। अब जो वैल्यू कट रही काट दो, 5 × 5, 5 × 5 = 25। अब ये किससे कट रहा है, 2 से 2, 4 × 8, 2 × 3 = 6। अब कोई भी वैल्यू नहीं कट रही तो क्या आ रहा है, 5 × 2 और ये 3, ये 4 × 1। तो आपको पता है जब किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है 15/4, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, अगर इसको मिक्स सेक्शन में पूछा जाता है तो हम मिक्स सेक्शन में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारी आगे वर्ड प्रॉब्लम भी होगी और हम इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 4.2, इसी डिवीजन रेसिप्रोकल के ऊपर बेस्ड है। एक्सरसाइज 4.2, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, ऑल क्वेश्चन डू इन नोटबुक सॉल्व। फर्स्ट ए दे रखा है, 1/2 / 4, ये दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे 1/2, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 4 के नीचे 1।
अब इसका इसी नंबर का हम रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है? तो 1 by 2 मल्टीप्लाई, ये 1 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे, आंसर क्या होगा? 1/8, ठीक है? हमारा आंसर क्या आएगा? 1/8. नेक्स्ट इज बी डिवाइड 2/3 डिवाइड 2/3 बाय 3, ठीक है? 2/3 एज इट इज, ये बाय डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में 3 के नीचे हम 1 मान लेंगे, ठीक है? तो अब 2/3 मल्टीप्लाई आ रहा है, ये 1 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन 1 और 3 नीचे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2 × 2 और 3 × 3 = 9, 2 9, ओके? तो ये आप अपने कॉपी में उतार लेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, सेम प्रोसेस है, कुछ भी नहीं चेंजेस है, डिवाइड का साइन दे रखा है, हो सकता है कहीं पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दे रखा हो, कहीं पे प्रॉपर फ्रैक्शन में दे रखा हो, कहीं पे मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इसी को हम इसी के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी आप कॉपी में उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, अब इसके अंदर हमें मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है, तो मिक्स फ्रैक्शन से हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और जहां डिवाइड का साइन है वहां पे रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, यस, क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, तो फर्स्ट हमें दे रखा है 2 say 4/8 डिवाइडेड बाय 2 say 1/2, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 8 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 × 2 + 4, देखिए ये मैं पहले भी समझा चुकी हूँ मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मैं बार बार ये सेंटेंस नहीं लिखूंगी बीच में, ये लाइन इन्वॉल्व नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये किया जा रहा है। बीच में डिवाइड का साइन 2 × 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2, अब हम इसको 8 × 2 = 16 + 4 = 8 डिवाइड 2 × 4 + 1 = 5, ठीक है? 5 = 4 + 1/2, ठीक है? अब क्या हो जाएगा इसके बाद? ये आगे और ऐड होगा, 16 + 4 = 20, 20/8, ठीक है? ये डिवाइड और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 + 1 = 5/2। अब हम यहाँ पर जब ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, अब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो 20/8 मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे जाएगा, जो वैल्यू कट रही काट दो, 5 × 5 = 20, 2 × 2 = 8। अब आप ये देखोगे कि देखो ये 4 भी सेम है दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो 4 × 4 = 4, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो केवल 1 ही रहेगा, ठीक है? वापस से समझ लीजिए इसको, मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू है, सबसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 8 जो डिनोमिनेटर में है 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर न्यूमरेटर को प्लस करा देंगे, तो 8 × 2 = 16, 16 में 4 प्लस किए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 20। इसी तरीके से इसको भी कराएंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस 1 होगा तो 4 + 1 = 5/2, अब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होने के बाद हम रेसिप्रोकल कर देंगे, 20/8 मल्टीप्लाई में इसका रेसिप्रोकल होगा 2/5, तो 2 को 8 से काटा, 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 8, 5 × 5 = 5, 4 = 20, ठीक है? अब इसके बाद ये देखिए कि ऊपर नीचे 4, ये अभी भी सेम टेबल से कट रहे हैं, 4 × 4 = 4, तो अब दोनों तरफ डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में दोनों तरफ 1 है,
तो नीचे वाले वन के डिनोमिनेटर में जो वन होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए हम सबको मिलाकर के केवल सिंगल वन लिख देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर नंबर। ओके यस, आप इसको उतार लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी तक तो हमने ए सॉल्व किया है, इसके बाद हम नेक्स्ट बी भी सॉल्व करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन के मैं करवा दी हूँ, आप कोशिश करो उसको खुद भी सॉल्व करने की, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करोगे तब भी समझ में आ पाएगा। नेक्स्ट बी इज 6 से 2 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 1 से 3 अपॉन 5। अब आपको ये पता है, देखिए कि मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है। मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू देने से क्या होता है कि हम इसमें जो वैल्यू है आपकी, इसको हम क्या करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। तो आपको पता है 5, 4, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 2 करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। फिर इसके बाद डिवाइड का साइन, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कराया जाएगा, प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो अब देखो 5, 6, 30 30 में प्लस 2 होगा 5, प्लस 5 अंदर 5 प्लस 3, ओके डिवाइडेड बाय 5। तो 30 में 2 प्लस किए 32 अपॉन 5, डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 5 प्लस 3 8 में डिवाइडेड बाय 5। अब इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, 32 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 8। अब देखिए ये किससे कट रहा है, 4 की टेबल से कट रहा है, 4 2 8 4 8 32 2 1 2 2 4 8। अब ये देखो दोनों 5 सेम है, तो 5 5 5 5 5, तो हम इसको मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे 4 into 1 1 into 1। नीचे के वन की वैल्यू नहीं होती, हम केवल 4 लिखेंगे, 4 1 4। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में ही हम डी नंबर का करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी, ठीक है, सी आप खुद करेंगे। डी 4 से 35 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 2 से 1 अपॉन 2। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन से हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो 4 into 4 प्लस 35, आपको पता है न्यूमरेटर की वैल्यू हमेशा प्लस होती है, 4 डिवाइड साइन 2 to the 4 प्लस 1 upon 2, तो 4 4 16 में हम 35 प्लस करेंगे। आपको पता है क्या आना चाहिए, 16 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड 4 plus 1 5, ठीक है, अपॉन 2, तो 16 में 35 प्लस होगा, ठीक है, तो 1 3 और 1 4 plus 5 51 upon 4 डिवाइडेड, यहाँ मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 upon 5, ठीक है। अब जो वैल्यू कट रही है उसको काट दीजिए, और जो वैल्यू नहीं कटती है उसको एज इट इज ही हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये कट रहा है 2 और 4 कट रहा है, 2 1 2 2 2 4, 51 में 5 का डिवाइड नहीं जा रहा है, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 51 अपॉन 5 टू 10, ठीक है। अब आप इसका क्या कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, आप रफ वर्क में 51 में 10 का डिवाइड करेंगे, 10 5 50, रिमाइंडर में 1 बचा, ठीक है। तो हम किस तरीके से लिखेंगे इसको, 5 से 1 अपॉन 10, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर हो गया। ओके,
क्वेश्चन नंबर थ्री इज एट चिल्ड्रन शेयर 4/5 लीटर ऑफ अ फ्रूट जूस इक्वली. वो ये कह रहा है कि 8 बच्चों में यदि जूस फ्रूट जूस को 4/लीटर इक्वली यदि डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फ्रूट जूस डज ईच चाइल्ड गेट. हर एक बच्चे को कितना जूस